ইউজিসির প্রতিনিধিরা তারা সাংবাদিক বৈঠক করছেন, সরাসরি নজর থাকবে সেদিকে। किस इलाके से मिली है इस तरह की शिकायत, अगर आप बता पाए देश के किस इलाके? जस्ट सप्लीमेंट्री, यू कैन जस्ट गिव अस फ्यू मोर डिटेल्स ऑन द नेचर ऑफ दिस टेक्निकल इनपुट्स। इज इट इन द नेचर ऑफ अ पेपर लीक या कोई चीटिंग अनफेयर मींस, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? ये जब पेन पेपर टाइप का एग्जामिनेशन था नहीं, ये वाला नेट का, तो साइबर ने आपको इनपुट किस आधार पर दिया, मतलब उसका क्या मतलब है, इससे तारतम्य क्या इन दोनों बातों का? देखिए जो I4C है, इट वर्क्स एट द डिफरेंट लेवल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसी भी तरह के आपके जो कम्युनिकेशन है कुछ है, उससे कुछ इंडिकेशन मिले थे, लेकिन चूंकि अभी मैटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया गया है, एट दिस लेवल इफ यू डिस्क्लोज एनी डिटेलिंग इट मे कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशन। सो और ये मुझे विश्वास है कि हम सभी चाहते हैं कि जो भी लोग इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ एक्शन हो। अगर डिटेल को ज्यादा डिस्क्लोज किया गया तो इट मे अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। You know, showing this kind of asking for money and giving the papers and everything. Whether Ministry of Education or NTA got any kind of information on that day? मैं आपको वही दोबारा बता रहा हूँ कि चूंकि एग्जाम because it's the fourth day before, like 14th of June. That's why. See, when I said कि prima facie we have found that examination may have been compromised. So that should be enough to indicate. Rest detailing, we can't disclose at this point of time. Whether any action taken on that time, sir, on the 14th of June, after this tweet happened? That's what I'm saying. They see, nobody has complained. The agency itself taken action. That I4C itself has taken action and caught those kind of that input, and they shared with us. That's why we have taken action. Ravi from Ravi, aap puchengi. Main Ravi, News 18 India se. NTA की तरफ से दोनों एग्जाम लिए गए थे, नीट और नेट, तो NTA के लेवल पे कहीं पे आपको लग रहा है कि खामी रही, क्योंकि सवाल NTA को लेकर खड़े हो रहे हैं? देखिए, हम किसी भी तरह के कंक्लूजन पर जाने से पहले एक प्रॉपर एविडेंस को चेक करते हैं। आप सभी जानते हैं कि देयर आर ह्यूज मैकेनिज्म इन्वॉल्व। NTA का अपना एक मैकेनिज्म है, उसके बाद सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, उसके बाद कई परीक्षा सेंटर उसमें उनके लोग इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। वी आर टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन ताकि किसी बच्चे का भविष्य कॉम्प्रोमाइज न हो पाए, दैट इज आवर इंटेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, drawing the conclusion, it depends upon the investigating agency. Right, now we go to the right side, Arvind ji, aap. मेरा सर सवाल है कि NTA जो है परीक्षा यूजीसी नेट की कराई है, इसमें क्या किसी प्राइवेट एजेंसी की आपने मदद ली थी कि NTA खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से करवा रही है? सी, मैकेनिज्म में काफी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ये एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन एजेंसी होता है, मैकेनिज्म में काफी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। मेरा सवाल है, कोई प्राइवेट इसमें प्लेयर इसमें इन्वॉल्व था कि NTA खुद अपने लेवल सब पूरा अरेंज करवा रही है? NTA ही अरेंज करवाता है, देयर आर सर्टेन स्टेक होल्डर हु सपोर्ट दैट होल एंडेवर। नहीं, इसमें आ रहा है कोई प्राइवेट एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा आप दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, दैट वी डोंट वांट टू मेक एनी स्टेटमेंट ऑन दैट। ये जो एग्जाम है, हर साल 2018 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इस साल पेन एंड पेपर OMR शीट, यू कैन टेल अस व्हाई दैट हैपेंड एंड कुड दैट इन एनी वे बी रिलेटेड, डिड दैट मेक इट एनी इजीयर फॉर द एग्जाम टू बी कॉपी? वन क्वेश्चन ऑन द इसी में सेम चीज में एक चीज और जोड़ना है कि इस बार जो सेंटर्स पढ़े थे उन पर मिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं हुए। जैसे कोई एक सेंटर, अभी हमने बात की थी मध्य प्रदेश में भोपाल का मिला, तो एक सेंटर था उस पर केवल जर्नलिज्म का पेपर था, जबकि पहले का तरीका यह है कि अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे उस सेंटर पर रहते हैं, तो एक ही सब्जेक्ट का होने से तो कम्प्रोमाइज होने की गुंजाइश ज्यादा है। सर, एक ही चीज इसमें और ऐड की, पिछले महीने ही बच्चों को पता चला कि उनको इस बार ऑफलाइन एग्जाम देना है। पहले जब वो फॉर्म भर रहे थे इस परीक्षा का, तो उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार उनकी परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है। देखिए, 83 सब्जेक्ट्स के एग्जाम लिए गए थे इसमें, उसमें काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है, और जो भी स्टेप लिए गए थे NTA के द्वारा, पहले के एक्सपीरियंस के द्वारा, ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके,
बट अगर कोई इश्यू है, लेट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज एट वेरी प्राइमा फेसी लेवल, गवर्नमेंट हैज टेकन प्रोएक्टिव स्टेप, नथिंग शुड बी कंक्लूडेड एट दिस लेवल, बट क्या स्टेप है, क्या उसमें फैक्ट इन्वॉल्व है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नहीं सर, ये जो फॉर्मेट बदला गया उसका क्या, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? यू सेड इट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन? मतलब कंप्यूटर बेस्ड का क्या एक्सपीरियंस खराब था कि पेन एंड पेपर करना पड़ा? खराब नहीं था, सी एक्सपीरियंस वॉज नॉट बैड, द मैटर इज हाउ कैन वी कैन फर्दर इम्प्रूव। सी एवरी लर्निंग गिव्स अ इंडिकेशन कि यू कैन इम्प्रूव सर्टेन एस्पेक्ट। जब आप पेन एंड पेपर ले आते हैं, कई बार स्टूडेंट के इशू भी आते हैं कि इसको इस फॉर्मेट में लेना चाहिए। सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन द डिफरेंट इनपुट, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, एवरी इंस्टीट्यूशन टेक डिसीजन एंड दैट्स वाई एवरी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व। आप देखिए एनटीए जो ऑल्सो न्यू एजेंसी 2019 से काम कर रही, इन फोर ईयर एक्सपीरियंस दे आर कंडक्टेड मोर देन 1 करोड़ स्टूडेंट एग्जाम, जो दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट नंबर है, फर्स्ट गांव का है विच वी आर अबाउट टू क्रॉस। इतने बड़े एग्जामिनेशन को कराने में वी टेक इनपुट फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर, स्पेशली स्टूडेंट्स। सो एवरी एग्जामिनेशन वी इम्प्रूव बेस्ड ऑन द इनपुट रिसीव फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर, सो दैट वी हैव टू कंसिडर। कई बार आप इनपुट लेते हैं देन यू चेंज द पैटर्न एंड देन द सिस्टम, अगर आपको दूसरा दोज थिंग्स शुड नॉट बी लिंक्ड। नो नो, आई एम नॉट सेइंग आप लिंक करिए, मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हम कोई कहीं जा भी रहे हैं तो दैट्स वाई समटाइम हम किसी भी तरीके से अपना मैकेनिज्म को चेंज करते हैं। एनी एवरी एजेंसी इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस दे कंडक्ट द एग्जामिनेशन, बट इफ एनी एक्सीडेंट हैपन दैट शुड नॉट बी कंप्लीटली एट्रीब्यूटेड टू दैट चेंज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट व्हाट आर द प्योर रीजन पॉइंट वाइज पॉइंट एनटीए विल कैन एक्सप्लेन इन लेटर ऑन, बट दैट्स व्हाट माय रिप्लाई दिस एस्पेक्ट। थैंक यू। राइट साइड अगेन, आप पूछिए फटाफट। सर, भोपाल के कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया था, मैं इला हूँ इंडिया टीवी से, हमारे पास ऐसा स्क्रीनशॉट भी है जिसमें 17 जून को ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि पेपर जो है वो लीक किया गया है और उसको उसके प्राइस भी बताए कि 5,000 रुपए में ये पेपर लीक किया जा रहा है। तो क्या आपको इस बारे में जानकारी मिली है और क्या इस विषय में जांच किया जा रहा है? एवरी डे वी रिसीव सो मेनी इन्फॉर्मेशन। आपने रिसेंटली ये भी एक देखा था, किसी का टाउन ओएम पेपर को फटने की बात आई थी, वो भी मैटर कोर्ट में गया था। एवरी द इशू इज दैट आवर रिएक्शन वेदर इट इज कमिंस्ट्रेट टू द फैक्ट और नॉट। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप 500 mg के पैरासिटामोल लेंगे कि डायरेक्ट 2000 mg के लेंगे, दैट प्रपोर्शन वी हैव टू मेंटेन। सो वी रिसीव एवरी डे सो मच इन्फॉर्मेशन एंड द मिनिस्ट्री टेक एक्शन बेस्ड ऑन द ग्रेविटी ऑफ दैट इनपुट। एवरी इनपुट और एवरी इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी attributed for the fully reaction, और जब किसी भी इनपुट में हमें ग्रेविटी दिखाई दी हमने तुरंत एक्शन लिया, किसी ने आकर कंप्लेन नहीं किया यूजीसी की नेट के एग्जामिनेशन में। तो ये बात हमको समझना चाहिए कि रिएक्शन कैन नॉट बी डन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर एवरी इनपुट और फॉर एवरी एलिगेशन। वी आर इंश्योरिंग दैट रिएक्शन इज 100% कमिंस्ट्रेट टू द इनपुट, ग्रेविटी ऑफ द इनपुट एंड एज वेल एज क्रेडेंशियल सोर्स। क्रेडेंशियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वेन वी टेक डिसीजन। So that is the sir, Kundan, just a second please, Kundan। मैम एक बात बताएं, एक सर एक बात बताएं कि जैसे कि नेट में आपको पता चला और साइबर सेल से इनपुट भी आया, क्या नीट को लेकर भी कोई एमएचए के साइबर सेल ने आप लोगों को कुछ इनपुट दिया है क्या? देखिए नीट का देयर सेवरल इश्यूज, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। एक ग्रेस मार्क का इशू था, दूसरा आपका एलिज्ड है कि बिहार में कुछ ऐसा हुआ, दैट एलिगेशन इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। तीसरा था जो गुजरात में अबाउट एलिगेशन मेल प्रैक्टिस, दीज आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इशू। ग्रेस मार्क का इशू हैज बीन कंप्लीटली एड्रेस। नाउ द अनदर इशू इज रिगार्डिंग एलिज्ड लीक इन द बिहार, दैट बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इज ऑलरेडी डूइंग द इन्वेस्टिगेशन एंड देयर आर मेनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन द कंट्री, मेनी पुलिस एजेंसी आर देयर, मेनी सीआईडीज आर देयर, प्रीमियर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। व्हेन बिहार इज डूइंग इन्वेस्टिगेशन वी आर रिलाइंग ऑन देयर इनपुट एंड वी हैव सॉट डिटेल इनपुट, काफी उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है, एनटी ने शेयर किया है, मिनिस्ट्री इज ऑल्सो सॉट डिटेल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। वंस वी रिसीव द डिटेल इनपुट फ्रॉम बिहार पुलिस वी विल टेक एक्शन एंड दैट एक्शन विल बी कम्प्लीटली कमिंस्ट्रेट टू द इनपुट विच दे प्रोवाइड, बिकॉज वी शुड लीव ऑल दिस मैटर टू एजेंसी हु इज हैविंग कॉम्पिटेंसी टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। रिपोर्ट इज सबमिटेड बाई द एजेंसी
और बिफोर द रिपोर्ट इज सबमिटेड when can we expect the exam? See, we are completely aware that these examinations are aligned with the semester and the students who are about to appear into PhD or any eligibility test. And we will take cognizance of all the factor to ensure student interest at all level. किसी भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज न हो पाए. इफ देर बी एनी चेंजेस दैट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन टू द कॉन्सिक्वेंसल इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसल इवेंट विच हैपन इन द कैलेंडर ईयर. सो दैट वी विल इंश्योर. आप उसको बिल्कुल समझ लीजिए कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड दैट अगर किसी एग्जामिनेशन के कैंसिल की वजह से कोई कमिस्टेट कॉन्सिक्यूटिव एक्शन होता है तो वी विल इंश्योर कि स्टूडेंट का आगे भी हित उसे कॉम्प्रोमाइज न हो पाए. एंड एग्जामिनेशन डेट विल बी अनाउंस वेरी सून. थैंक यू सो मच. Thank you.